अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडी न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी जैसा हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं इकॉनमी के ऊपर, डॉलर की जो कंटेम्प्रेरी कंडीशन है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो पीटीएम की मूवमेंट है वो एक बार फिर एक्सपोज हो गई है, थोड़ी उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा अपोजिशन का जो एक गठजोड़ है उसके ऊपर आज भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई ये गठजोड़ हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहा है। इन साइड द पार्लियामेंट एंड आउट साइड द पार्लियामेंट जो कि कहा गया है एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होगा, क्या इसका टाइम पीरियड हो गया, अब तक अगर कोई और डेवलपमेंट्स इसमें आ गई तो इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते चलो तो मेरे साथ मौजूद हैं राजा अंसारी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और उनके साथ मौजूद है मारिया इकबाल तराना साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हम कॉल पर भी लेंगे सईद अफरीदी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, और अस्सलाम वालेकुम मारिया, दोनों आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, जाना चाहूंगी आप सबसे पहले कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, और जो एक इफ्तार पार्टी हुई है उसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का एक गठजोड़, साथ ही साथ जो मौलाना साहब हैं उनकी सियासी ट्रेनिंग जारी है। अब आपकी तरफ से स्टांस आ रहा है कि हुकूमत के अंदर एक बौखलाहट है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि आप लोग जले हुए कारतूस हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत के जितनी भी हम बातें जो सुन रहे हैं वो उनकी कारकर्दगी में ही आया है कि आज तक 9 महीने की जो हुकूमती कारकर्दगी रही है, और हमसे ना पूछें, अब अपना कैमरा लें और आवाम में निकल जाएं, तो आज हर खासो आवाम को आप लोगों ने गुमराह नहीं किया कि सिर्फ 9 मंथ्स का क्रेडिट जाना चाहिए, बाकी की तबाही को छोड़ दें। इसके पीछे खुद इमरान खान साहब की तकारीर है। अगर यहाँ मैं बैठ के कहूँ अभी कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले जो कुछ कहा था वो सब पे अमल करके दिखाए तो लोग कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छा लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। तो मैं कह भी दूं अगर कि नहीं जी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट चली है और 9 माह की कारकर्दगी बड़ी बेस्ट रही है और बड़े अच्छे इकदामात हुए हैं, तो लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे, एतबार नहीं करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इकोनॉमी के हवाले से जितना बड़ा डिजास्टर ये साबित हुए हैं तारीख में नहीं हुए। ये पहले कहते रहे हमें कि जी बजट हमेशा मुस्लिम लीग नून का बजट खसारे में होता है। आज 9 महीने के अंदर जो बजट का खसारा ये लोग लेके आए हैं वो उसने 11 साल पिछले 11 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हमेशा कहते आए कि जी हम आमदन जो है वो बढ़ाएंगे और खर्चे घटाएंगे। पिछले साल के मुकाबले में 723 बिलियन रुपीज़ इन्होंने खर्चे बढ़ाए हैं, किस चीज़ जो 17 ओवरऑल जितने भी हुकूमती खर्चे अखराजात हैं उसमें इजाफा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले में 17% ज्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक के आदाद शुमार, खुद गवर्नमेंट के आदाद शुमार कह रहे हैं। फिर ये कहते रहे कि जी हमारे पास बड़ी जबरदस्त टीम है और हम आते के साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बड़ा जबरदस्त बूस्टअप देंगे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस किस्म की इकोनॉमी को हैंडओवर किया जाए जो कि ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रही है और उसको एकदम से चेंज कर दिया जाए? इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? क्यों नहीं पॉसिबल है, हमें जब हमने जिस कंडीशन में इनको इकोनॉमी दी, अच्छा जरदारी साहब के दौर में जब हमने पीपल्स पार्टी ने टेनओवर अपना पूरा किया और 2013 में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, वो आदाद शुमार और 2018 के आदाद शुमार में दिन रात का फर्क था। हमने 2013 के मुकाबले में कदरे बेहतर इकोनॉमी इनके हवाले। अच्छा, आप लोग डॉलर्स के रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे कि क्या आप लोग के टाइम पीरियड में डॉलर इतना ज्यादा उसकी हाइक हुई, इतनी प्राइस जो है टॉप पर गई, या सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के दौर में हुआ है? देखिए, हमारे दौर में भी डॉलर की प्राइस बढ़ी थी लेकिन हम उसे कंट्रोल कर गए। अच्छा, और इसाक आपको याद होगा कि जब डॉलर 110 तक चला गया तो इसाक डार साहब ने विद इन 1 मंथ उसको दोबारा 106 और 104 पे लेके आए। तो इसाक डार साहब ने कैसे किया था, क्या ये जो करेंसी कंट्रोल था कोई आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल किया था? साइंस नहीं है उसके लिए, बंदे को तजुर्बेकार होना चाहिए। आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल नहीं किया था? अगर आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल होती ना, अगर आर्टिफिशियल कंट्रोल होती ये करेंसी तो सबसे पहले, इसे तो आसान काम है, सबसे पहले इमरान खान साहब करते, क्योंकि तो आसान काम है। स्टेबलाइज ही नहीं हो रहा था, इतना बुरा हाल हो गया। जो हुकूमत पिछली हुकूमत के मंसूबों की लगाई हुई तख्ती को हटाकर अपनी तख्ती लगा सकती, अच्छा। है क्या वो इतना आसान काम नहीं कर सकती थी? वो कह रहे हैं हम करना नहीं चाह रहे थे, हम स्टेबलाइज होने के लिए छोड़ रहे हैं। ये सब पुराने किस्से हो गए, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमने आते के साथ ही इनको पेशकश की, कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर अपोजिशन जमातों के लीडरान ने कहा इन्हें कि मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया होने जा रहा है, आए सब मिलकर हम आपको हेल्प करते हैं। आप लोग को जो लास्ट गवर्नमेंट मिली थी, बल्कि मैं मारिया से सवाल इस पर करूंगी, फिर दोबारा मैं आपसे डॉलर की जानेब आऊंगी और आपसे प्रॉपर इसके रेशो के ऊपर भी डिटेल में बात करूंगी। मारिया, डॉलर की प्राइसेस के ऊपर बात करें और इन्फ्लेशन को भी अगर हम मद्देनजर देखें, तो अगर हम इसके ऊपर कुछ बात करें, ओवरऑल
पीपल्स पार्टी के एरा में 50% बढ़ा था और पीएमएलएन के एरा में 27% बढ़ा था और पीटीआई के 17% बढ़ा है। तो कंपेयर करें जो उनको दिया गया था उससे क्या उन्होंने बनाया, उसका एक रेशो और प्रोपोर्शन है। तो पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है। और अगर आप और डिटेल जानना चाहती है तो मैं आपको इसकी रेट का बता देती हूँ। पीपल्स पार्टी को 64 का हैंडओवर किया गया था और 96 का किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने 96 का किया, 32 रुपीज यानी इंक्रीज हुआ। फिर पीएमएलएन को जब गवर्नमेंट हैंडओवर हुई तो 96 से उन्होंने 122 का किया, यानी 26 रुपीज उन्होंने बढ़ाया। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट मारिया, ठीक है, उन्होंने 26, आप लोगों ने 32 बढ़ाया, इन्होंने 26 बढ़ाया। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट को जब हैंडओवर किया गया था तो 122 से 128 हो गया, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी 6 रुपए बढ़ा दिया। फिर पीटीआई को 128 पे हैंड ओवर हुआ, उन्होंने 150 तक पहुंचा दिया है। और इंटरबैंक मार्केट में यही ऊपर नीचे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, 150 पे आके लॉक हो गया, तो उन्होंने 22 रुपीज बढ़ा दिया। सबसे कम तो उन्होंने बढ़ाया, सबसे कम प्रोपोर्शन और रेशो में इन्होंने बढ़ाया, देन वेयर इज द प्रॉब्लम? नहीं देखिए अलवीना, एक तो पहले आपने कहा कि आप 2008 की बात कर रही हैं जिसमें आप कह रही हैं कि 64 पे मिला था, 64 पे नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये भी फिगर्स हमें नहीं, ये करेक्ट है, करेक्ट फिगर्स हैं। आप ये देखिए कि उससे पहले गवर्नमेंट किसकी थी, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही थी। अगर डॉलर वहां पर 64 से, नहीं डॉलर की बात कर रही हूं, हमने मुल्क जो था ना वो गिरवी रखा हुआ था, हमने जो अपने कर्जे जो उतार दिए थे, बहुत सारे नहीं उतार दिए थे हमने, मुल्क गिरवी रखा हुआ था, दे रहे हम जंग में जा रहे थे, हमने जंग में झोंका हुआ था मुल्क को, हमारी हालात बहुत बुरे थे कि पूरी दुनिया हमसे नाराज थी इस बात पे कि बार बार हम अमरीकी जंगों में क्यों हिस्सा ले रहे हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क संभाला था। तो अगर आपको बहुत क्लियरली याद हो, कहते हैं उनकी बुक में जो है, उनकी बुक में इन द लाइन ऑफ फायर में उन्होंने कहा है कि कुछ सख्त फैसले हर हुक्मरान को लेने पड़ते हैं और कुछ सख्त फैसले उन्होंने भी लिए, लेकिन उन्होंने बड़े मसाइल से बचाने के लिए जंग में जाना, कभी किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आपने देखा कि वो जंग में जाने के लिए साथ देती और कहती है चलो जी? ऑपोजिशन इस वक्त स्ट्रांग क्यों नहीं थी, को लिटिल डैमेज की इजाजत क्यों नहीं? व्हिच ऑपोजिशन यू आर टॉकिंग अबाउट? वो तो 10 साल हमारे डिक्टेटरशिप के, उससे पहले जिया के टाइम में, व्हिच ऑपोजिशन यू आर टॉकिंग अबाउट? कोई डेमोक्रेटिक, उस वक्त नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा जो थे वो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी पार्टी के लोगों को इतनी मुश्किलात का यहां पे सामना था, कोई जलसा जुलूस में हिस्सा लेने इनके जो एलाय थे साथ, इनके साथ जो एलाय फॉर्म करके बैठे थे, आपको पता है कि इस वक्त अगर नशस्तें हैं 342 उसमें से आपको पता है कि 200 वो लोग वो हैं जो हर वक्त सफल होते रहते हैं हम गवर्नमेंट्स में, इनको भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। और वही जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में थे, फिर उसके बाद वो कुछ हमारे साथ पास आ गए, अब हमें भी जरा संजीदा होने की जरूरत है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट कि आप लोग के पास देखिए, बट वी हैव लर्नड इट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आई एम श्योर पीएमएल उनको भी सीखने दें, उनको भी सीखने दें पीटीआई को, नो नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द पीपल्स क्या कहते हैं लाइफ, क्योंकि ना इस वक्त जो सबसे ज्यादा पेसर है ना पाकिस्तान में, अगर हम पॉलिटिकल, ठीक है, मैं हम फॉर सेक ऑफ पाकिस्तानी आवाम, हम सब अपने सर के ऊपर से अगर ये सियासी टोपी उतार कर देखें ना, तो इस वक्त सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है ना, जो इसको सबसे ज्यादा परेशानी है वो गरीब आवाम को है। देखिए आप अलवीना, ये अब हम 2019 में ना, जब हमने 10 साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गुजार के ना, पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया, नवाज शरीफ साहब ने अपने पीएमएलएन ने पूरा किया, और अब हमने इनको दिया इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब को अपना तैयारी करना चाहिए, नारे नहीं लगाने चाहिए थे। आपने कहा ना कि you guys learn with the passage of time, now let PTI learn. No, we have learned in very crucial times. हमने dictators की मारें खाई हैं, हमने जिया को भी सामना किया, हमने उससे पहले यहिया का भी मुकाबला किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ कहते हैं उन्होंने मीडिया को भी जो है फ्रीडम दी, उन्होंने अदारों को बेहतर किया, उन्होंने उनके इतने ज्यादा थे कि हर पाकिस्तानी के घर में उस वक्त जो डॉलर होने चाहिए, मुल्क इस सिचुएशन में था, मगर उसमें क्या हुआ, हमारा रीजनल जो हमारे नेबर्स थे वो हमसे नाराज हो चुके थे, क्योंकि हम बार बार by selling Pakistan we used to go into the war, Alina, we must not forget that, kyunki jab aapne ye abhi jab aap reality nahi batayenge na apne awam ko, awam kabhi tak is cheez tak nahi pahunch sakenge ki actually inflation, ghurbat, dollar ki qeematon upar jana, import export, ye sari cheeze directly kahan se control hoti hain, ye sari wahan se control hoti hain, kyunki dekhiye ab humne parliamentarians ko wahan par bithaya hai jahan par wo awam ke faisle karte hain, magar aap in ministry ka faisla dekh lijiye, aap abhi thode dino pehle IMF
फैसला देख लीजिए कहाँ पे आपने जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड लिया, आपने तो फिर वही सिद्धार्थी निजाम दिखा दिया, आपने रातों रात IMF के साथ मुआहदे किए जो कि IMF के लगता था IMF से मुआहदा है, आपने पार्लियामेंटेरियंस को क्या वो वहां पर चने बेचने के लिए बैठे थे, आपने उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया? दे हैव नॉट गिवन एनी ब्रीफिंग टू एनी पार्लियामेंटेरियन अबाउट दिस मुआहदा ऑफ IMF, व्हाई दे हैव नॉट गिवन, व्हाई दे हैव केप्ट parliamentarians in dark, why they have kept people of Pakistan as a common person like me and you, why we are in dark, we should have a policy in front of us by reading abhi main why didn't you guys set this precedent? Why didn't you guys set this precedent कि आप लोग को देख के वो follow करते, कि आप लोग हर मुआहदा सामने रखते, सारी policy सामने रखते? क्यों ऐसा नहीं होता था जब वो parliament में पाकिस्तान की discuss होते हो? मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले 10 सालों में कभी भी ऐसा हुआ हो कि opposition इस चीज के ऊपर एतराज किया हो कि हुकूमत ने कोई फैसला किया, लेकिन अब आप लोग तो कह रहे हैं ना कि आप लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी टफ टाइम देंगे, बाहर भी टफ टाइम देंगे, मुल्क कैसे चलेगा? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि 5 साल पूरे करने देंगे, फिर कहते हैं कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए थी, और दूसरी बात ये कि तीसरे आज हमारे साथ PTI के कोई ना कोई साहब या साहिबा होने चाहिए कॉल पे अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको हमारे सवालों के जवाब देने मोड के वो कमी महसूस नहीं हो रही है, वो पूरी कर रही है सवाल। नहीं नहीं देखिए नहीं, अब मैं आप लोगों से नहीं इसीलिए कहूंगी, मैं तो मेरे तो काम है ना सवाल करना, आप लोग डिफेंड करें खुद को, अपना टेक सामने रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे स्टांस बहुत जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम ब्रीफ थे बहुत ज्यादा इसके बारे में, हमें पता है कि हुकूमत को आपने कहा कि हम टफ टाइम देना चाहते हैं, हुकूमत चलेगी कैसे? आप यकीन करें कि अगर हम ये समझते पाकिस्तान की अपोजिशन जमाते हैं मोहब्बे वतन जमाते हैं, अगर हम ये समझते कि PTI की हुकूमत वाकई मुल्क चला रही है, तो हम कभी भी इस मामले के अंदर नहीं आते कि हम जल्दी से जो है रोडों पे आए। हमें सीरियस कंसर्न है कि ये मुल्क चल ही नहीं रहा इनसे, और अगर मजीद इनको टाइम दिया गया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। ठीक है राजा साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी ब्रेक से कबल, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं राजा साहब से जानूंगी कि एक तरफ PMLN कहती है कि हम इनको इनका टाइम पीरियड मुकम्मल करने देंगे, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि खुद ही गिर जाएगी, हुकूमत नाकाम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि हुकूमत को गिराना है तो हुकूमत को गिराएंगे भी, तो ये इस सवाल का मैं जवाब जानूंगी राजा साहब से ब्रेक के बाद। स्टेबल्स ऑन इनसाइडी न्यूज, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि क्या हुकूमत वाकई परेशान हो चुकी है, और अपोजिशन क्या वाकई बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी हुकूमत को, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, कैसे चलेगी हुकूमत, क्या वाकई हुकूमत गिराने का इरादा है? जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया जाता है तो हम हुकूमत को गिराएंगे, तो ये दो स्टांस PMLN की जानब से दिखाई दे रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की जानब से भी यही दो मुख्तलिफ बातें होती हैं, कभी कहा जाता है कि मुकम्मल करने देंगे, कभी कहा जाता है कि ये खुद गिर जाएंगे, तो इस पर मैं राजा साहब से जानूंगी, राजा साहब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मसला ये है कि इस वक्त जिस हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हुकूमत में नहीं है, वो खुद अपोजिशन में बैठे हुए हैं। बड़ी अजीब बात है कि हम भी अपोजिशन में और हुकूमत में अपोजिशन, इसलिए कि वो अपोजिशन मोड से बाहर नहीं आ रहे, उनके वज़रा का रवैया हुकूमती रवैया नहीं है, वो अभी तक अपोजिशन मोड में है। अपोजिशन के रहनुमा अगर खड़े होकर उनके पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हैं, और इकोनॉमी पे और मईशत पे और उनके जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर तनकीद होती है और इशू पे तनकीद होती है, तो वो लोग बैठ के उनकी ज़ातियात तनकीद कर रहे होते हैं। आपने ये बात की, और इस यही सवाल मैं तमाम तौर अपोजिशन में लोगों से करती हूँ, लेकिन मुझे जवाब कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता, तो आपने जैसे ये बात की तो मैं आपसे ही दोबारा सवाल करूंगी कि जब क्रिटिसिज्म होता है अपोजिशन का काम ही क्रिटिसाइज करना है, पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना है, प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन क्यों हम अपोजिशन की तरफ से एक वीक क्रिटिसिज्म देख रहे हैं? साहिबा पे बात करना, फिर किसी और किस्म की बातें करना, फिर वो स्लिप ऑफ टंग पर, एक मिनट राजा साहब, फिर स्लिप ऑफ टंग के ऊपर डिस्कशन करना कि ये मुल्क इसकी सरहद इससे कनेक्ट नहीं होती, इससे बेहतर है आप लोग इनकी पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, आप लोग इनसे पूछें कि अगर IMF के साथ मुआहदा हुआ है तो आज से पहले जो मुआहदे होते रहे उससे क्या डिस्टिंक्टिव चीज आप लोग लेकर आए, क्या पाकिस्तान के लिए रिलीफ आया? अगर आप लोग कह रहे हैं कि कराची के लिए इतना % आप लोग स्पेसिफिकली वो आप देंगे, तो कराची को कैसे मिलेगा? क्या ये as per the constitutional validity हो सकता है, possible? इस किस्म का positive criticism क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा हूं कि हमने issue based तनकीद की है, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप जाके कौमी असेंबली के प्रोसीडिंग्स को खोल के देखें, issue based, जब जवाब में जातियात पे आ गए तो उन्होंने हमें डिट्रैक्ट कर दिया ना, हमें अपोजिशन को ही वो दूसरे मोड में लेके आए, यानी हम उनको इशू बेस्ड जो है पॉलिसीज पे कर रहे हैं तनकीद, और वो हमें जातियात पे लेके आ रहे हैं और हमारे ऊपर जाती तनकीद कर रहे हैं।
हर चीज का उनके पास एक जवाब है। जो भी हम उनकी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे या उनकी उनकी कारकर्दगी पे हम जब तनकीद करते हैं, उनके पास जवाब एक है कि जी पिछली गवर्नमेंट ने हमें ये दिया है, ये हमारे क्या दुरुस्त नहीं है ये बात? नहीं, किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हर सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता। हर सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता। तो सवाल पूछो, हर सवाल का जवाब ये इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमें कॉल पे ज्वाइन किया सईद अफरीदी साहब ने, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। सईद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं ऑपोजिशन के हवाले से कि ऑपोजिशन टफ टाइम कहती है कि हम टफ टाइम देंगे हुकूमत को इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, ये मुल्क कैसे चलेगा अगर अंदर आप लोग की बात नहीं सुनी जाएगी और बाहर रोडों के ऊपर एहतजाज होगा। जो कल आप लोग काम कर रहे थे, आप लोगों को कहा जा रहा था कि इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, आज ये खुद करने जा रहे हैं और कह रहे हैं हम ईद के बाद करेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो एक जीनियन कास्ट पर कर रहे थे और एक डिमांड रखी थी गवर्नमेंट से कि चार हलकों के ऊपर एतराजात है और उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और उसको खोला जाए, लेकिन इनके पास क्या जवाब है? इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, अगर ये कहे कि हमारी चोरियां छुपानी है, हमारा एहतसाब ना हो, हमारे ये जो लूटमार हमने किया है अपने अद्वार के अंदर, इसके ऊपर हमसे कोई पूछगछ ना और हमें ना हाथ लगाया जाए ना पूछा जाए, और अवाम को कहे कि हमारा साथ दे इस मामले में, तो मेरे ख्याल से तो अब अवाम बड़ी अवेयर हो चुकी है। और जो मुल्क के अंदर इन्होंने हालात किए, जो माशी बर्बादी की है, जो माशी दहशतगर्दी की है इस मुल्क के साथ इन्होंने, तो मैं नहीं समझता कि अवाम अब इनके साथ निकले। और ये दो बार आजमा भी चुके हैं, एक जीटी रोड पे नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा के निकले, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कोशिश कर चुके हैं, जो अब्बू बचाओ मार्च के लिए ट्रेन पे निकले थे और वो भी सबने देखा कि वो एक ट्रेन भी नहीं भर सके। तो ठीक है, इनका हक है एहतजाज, ये जमहूरी ठीक है। सईद साहब, दूसरा सवाल आपसे जानना चाहूंगी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये हुकूमत परेशान है और इनसे हुकूमत नहीं चल रही और एक साल नहीं हुआ मुकम्मल और ये बहुत ज्यादा परेशान है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हुकूमत तो परेशान है, इन्होंने जो कारनामे किए हैं और मुल्क को इस हालात पे लाके खड़ा कर दिया, तो इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो परेशानी वाली बात तो है। वो ठीक कह रहे हैं, ये भी उनकी अच्छी बात है कि वो मान तो रहे कि इनकी वजह से परेशानियां आवाम को आज उठानी पड़ रही है महंगाई की सूरत में। कहाँ मान रहे सर, वो कह रहे हैं कि आप लोग आप सिर्फ एक ही बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि ये जो हमें विरासत में इनहेरिटेंस में मिला है, पिछला जो गंद है वो हमें विरासत में मिला, आप लोग के पास यही जवाब है, ऑपोजिशन ये कहती है। नहीं तो इसमें क्या किसी को शक लग रहा है? अगर मैं आपको कहूँ कि मैं कोई अभी कोई गाड़ी या टैक्सी हायर करूँ और उसमें ट्रेवलिंग करके और अपनी जगह पे पहुंचूं और वो मुझे कहे कि आप 2000 रुपए जमा करें और मैं उनको कहूं कि ये तो बहुत कम ट्रेवलिंग है, तो वो कहेंगे कि ये पिछले जो दो पैसेंजर थे उनके पैसे भी आपसे ले रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं पागल तो नहीं हूं कि मैं उनके पैसे अदा करूं। तो इनके इधर यही हो रहा है, ये पिछले अद्वार के पैसे भी अब इसको इमरान खान की हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और जितने भी हालात आज पैदा हो रहे हैं, जो भी महंगाई की सूरत हाल है, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, हमें सूद जो है ना कर्जों पे सूद देने पड़ रहे हैं, और फिर सईद साहब पीटीएम के हवाले से बात करूंगी आपसे, पीटीएम के हवाले से जानना चाहूंगी एक बार फिर जो है ये माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बड़ी उसमें जी, मैं आपसे पीटीएम के हवाले से बात करना चाहूंगी। मंजूर पश्तीन ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी वो एक दफा फिर जोर पकड़ रही है और भारत की जो फंडिंग है वो भी जारी और सारी है, भारत के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्होंने भी एडमिट किया है कि वो इस किस्म की एंटी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स को वो फंडिंग देते हैं और उनको और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। अब एक मासूम बच्ची की मोलेस्टेशन का केस, फिर उसका मर्डर, इसको भी वो लोग कैश कर रहे हैं, क्या ये वाकई कोई खबर है? ये कैसी गंदी ये लोग मतलब सियासत तो नहीं है, एक ट्रेजन के जिम्मे में आता है जो कर रहे हैं, आप कैसे निपटेंगे इस हवाले से? मैं पीटीएम के तमाम एक्टिविटीज के ऊपर इनकी शदीद मजम्मत करता हूं और मैं इनसे डे वन से शदीद इख्तलाफ रखता हूं। अगर ये इतने ही पख्तूनों के खैर ख्वाह थे और गम ख्वार थे तो ये पख्तूनों के साथ उस वक्त ये मैदान में आते जब उनके ऊपर
दहशत गर्द आके उनके गले काटते थे और उनको और सवात के अंदर लेडीज की बेहरमती होती थी और हमारे लोगों को, हमारे फोर्सेस के लोगों को चौकों के ऊपर लटका के उनके गले काटे जाते। उस वक्त अगर ये आते मैदान में आवाज उठाते तो हम समझते कि हाँ ये पख्तूनों का खैर ख्वाह है, ये अफगानिस्तान के एजेंट है, इनकी रुकनियत भी मुअत्तल की जाए। ये मोहसिन दावड और इसके ये वजीर अली वजीर जो मेंबर है, इनको बिलफौर असेंबली से निकालना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनको अफगानिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हम ये उनके मोरे और उन्हीं के हाथों में ये कह ले और कोई पख्तूनों के नुमाइंदे नहीं है। हो गई ना सर, खुद खुद को अफगानी कह रहे हैं, फिर कैसे पाकिस्तानी पठानों के राइट्स के लिए करेंगे काम? तो इनको निकालें सर, इनको मुअत्तल करें, इनको हटाएं, क्यों किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? खुद मुतालबा कर रहे हैं। अब मुझे कोई, मैं इतना कानूनी तालिब इलम नहीं हूँ, अंदाजा मुझे नहीं है अब आगे जाके गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेते हैं या क्या इसका कानून है किसी इस तरह गदार वतन को असेंबली से निकालने एक का। तो इनके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन भी हो सकते हैं। एक इनके ऊपर जो है हमारे आईन में मौजूद है कि ये जो सब कर रहे हैं ये ट्रेजन के जिम्मे में आता है, गद्दारी के जिम्मे में आता है इनके ऊपर। तो एक केस तो ऐसे ही आर्टिकल 6 जो है वो ट्रेजन का इनके ऊपर फाइल हो सकता है, सिंपल। एक तो ये इनके ऊपर, फिर इनको हटाएं यहाँ से, फारिग करें। ट्विटर इनका पूरा गन से भरा हुआ है और इसको आप कोई इसका मेजर लें, हुकूमत में है आप लोग, इनके खिलाफ काम करें। और अफवाज पाकिस्तान तो एक साथ हैं, वो कर रही हैं ऑलरेडी काम इनके खिलाफ, नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ। जो भी कानूनी आईनी इकदाम होगा इनके खिलाफ उठाएंगे और मैं अपनी गवर्नमेंट से इंशाल्लाह इस पे हम मिलके बात भी करेंगे। और मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उसकी वजाहत देना चाहता हूँ कि ये जो फरिश्ता बच्ची के साथ ज्यादती हुई और उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, ये इस तरह के वाकयात बिल्कुल हमारे माशरे में नाकाबिल कबूल है और ये बहुत संगीन जुर्म है और इसका रोकथाम ये हम सब की जिम्मेदारी है, तमाम सोसाइटीज की, तमाम पार्टियों की, सबकी मिलके हमें ये देखे। ये अगर पंजाब में हो, ये सिंध में हो, ये बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में हो, बजाय हमें इसको लिसानियत देने के, बजाय हमें अपने फोर्सेज के ऊपर इसको रुख चेंज करने के, हमें इस दरिंदगी को रोकने के लिए इकदाम करने हैं। और इसके इस हवाले से कानून में कुछ तरमीम की भी जरूरत है, वो भी आप लोग कीजिएगा सर। एक कानून बनाना चाहिए कि इस तरह के दरिंदों को चौक के ऊपर कुरान और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक चौक के ऊपर लटका के उनको सजाएं दी जाए, ताकि इनको देख के लोग इबरत पकड़ सके और आइंदा किसी मासूम बच्चों की, बच्चियों की इस तरह की दरिंदगी के साथ उनके साथ ज्यादती और कत्ल ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का सईद अफरीदी साहब, थैंक यू सो मच। जी सर, बात करेंगे इसी ट्रेजन के हवाले से। ट्रेजन के केस के ऊपर कहा भी गया था एसपीआर की जानिब से कि इनके ऊपर ऑफिशियली ट्रेजन का केस किया जाएगा, लेकिन फिर अब कोई फर्दर कोई बात नहीं हो रही। मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बात करूंगा। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं या पाकिस्तान के मफाद और रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजाएं भी होनी चाहिए। और मैं खुद उसको कंडेम भी करता हूँ एक मुहब वतन पाकिस्तानी की हैसियत में। लेकिन साथ साथ एक नौजवान, एक मुहब वतन पाकिस्तानी की हैसियत में मेरे जहन में एक और सवाल उभरता है, क्या हमारे माशरे के अंदर वो कौन से अवामिल हैं जो इस तरह के लोगों को जन्म देते हैं, जो इस तरह की सोच को जन्म देते हैं? हमें वो एहसास महरूमियां भी खत्म करनी पड़ेंगी कि लोगों को मौका ना मिले कि उनको यूज करके वो फायदा उठा के पाकिस्तान के खिलाफ या रियासत के खिलाफ किसी दूसरे दुश्मन मुल्क के हाथों में खेल सके। सर, क्या सिर्फ ये एहसास महरूमियां या ये एक गद्दारी वतन के साथ सेल्फ इंटरेस्ट है कि अपने पैसे के लिए, पैसा आए मेरे पास, हमने बंगालियों को भी गद्दार कहा था, हमने जीएम सैयद को गद्दार कहा, मैं दो मिनट बात करूं, हमने बंगालियों को भी गद्दार कहा था, हमने बलोचों को भी गद्दार कहा, हमने सिंधियों को गद्दार कहा, बलोच गद्दार नहीं, आज पश्तून बलोच बीएलए की बीएलए का हालत देखें आप, वो देखें एक सिंपल मेजॉरिटी में बात कर, ये कह रहा हूं कि अगर वो लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन उनको कौमी धारे में भी लाया जा सकता है, उन्हें अपना भी समझा जा सकता है। मैं तो एक और
पैराए में बात कर रहा हूं कि इस तरह के हमारी सोसाइटी में ऐसे मौके ही ना दिए जाएं कि इस तरह के लोग उससे फायदा उठाकर रियासत के खिलाफ काम करें। हमें उस तरफ भी काम करना चाहिए, हमें एहसास महरूमी को जन्म देने वाली जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसको खत्म करना पड़ेगा, हमें तालीम आम करनी पड़ेगी, हमें बुनियादी और बराबरी के लिहाज से तमाम देने पड़ेंगे। कर लेते आप लोग, इतना बार बार इक्तदार मिला आप लोगों को, क्यों नहीं किया दुरुस्त? जब किया तो कभी इक्तदार से हटा दिया गया, कभी 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 वजीर आजम को फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया, कभी गोली मार दी गई, कभी जलावतन कर दिया गया। अच्छा, लूला लंगड़ा हमेशा, मतलब आप लोगों के साथ यही तो झगड़ा हुआ। अच्छा, असल में झगड़ा ही यही है। हाँ, और अलविना, मेरा पीपल्स पार्टी पीटीएम को सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है। और मैं आपको एक बात बताऊं अलविना, प्लीज मैं आज ये थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मोहसिन दावड़ एंड अली वजीर जो है ना, दे आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है ना? दे हैव कम बाय द वोट। नहीं, आप उनकी ट्विटर की ट्वीट्स देखिए, प्लीज मुझे अलाउ मी टू टॉक। सबसे पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं ना वोट लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं मैं अफगानी, ये जो वर्ड गद्दार है, आई वॉन्ट टू आश दोज पीपल को जो बलोचों को, सिंधियों को, पख्तूनों को, पंजाबियों को गद्दार कहते हैं, ये हमारी फॉल्ट लाइंस है, भारत इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी फॉल्ट लाइंस को, देव एडमिटेड गद्दार का लाज जो है वो पाकिस्तान के उसमें से खत्म हो जाना चाहिए। अरे मारिया कैसी बात कर रही हैं आप, प्रेजेंट का पूरा आर्टिकल निकाल दें। ये देखिए, मेरी बात सुने अलविना, ये बहुत गलत बात है कि हम बार बार एक दूसरे को गद्दार कहते हैं। तो इस तरह तो नॉन स्टेट एक्टर्स तो बढ़ जाएंगे। आप बात कर रही हैं कि साख को मजबूत रखना है, हमने सबको साथ लेकर चलना है, हमने उन ग्राउंड लेवल्स को देखना है, हमने उन पख्तूनों के साथ बात करनी है। आई हैव स्पोकन टू दोज पख्तून मायसेल्फ, आई हैव सीन देयर मिजरीज। ये हो ही नहीं सकता कि हम उनको गद्दार कहें, क्योंकि मैंने तो अभी जब अभी पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव ने बात लॉजिकल की, जिनके उस वक्त हम लेकर जाते थे, क्यों नहीं हमने रोका, क्यों नहीं उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो था वो कौन से लेके बैठा था कि वो बात नहीं कर सकता था? व्हाई ही अलाउड टू यूज यूएस के हमारी जमीन इस्तेमाल करके हमारे पख्तूनों को लूला लंगड़ा और अपाहज करे, हमारे ही बलोचियों को जाकर मारे? ये बातें हमें उस वक्त की चाहिए। बलोचों को तो कोई और ही मसला है, बलोचों बलोचों की सरजमीन को तो इस्तेमाल नहीं किया, उनको तो कोई और ही मसला है, वो तो खुद कहते हैं नहीं है। बार बार हमने उकसाया है, देखिए बात सुनिए, 1971 में हमसे बांग्लादेश चला गया, जिसका आज तक जो दुख है, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी का मैं ऑनर कहती हूं कि भुट्टो साहब की गफलत, नहीं नहीं भुट्टो साहब की, भुट्टो साहब के साथ जनरल डिक्का खान साथ ही साथ, फिर उसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से महरूमिया जो थी उससे पहले डिक्टेटर करा था, भुट्टो साहब कब आए थे आप मुझे ये बताइए? भुट्टो साहब ने तो इक्तदार तब आके संभाला जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वक्फा लूंगी, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं राजा साहब से बात करी थी कि क्या जो लॉज हैं, कोई लॉज में चेंजेस होनी चाहिए, जो फरिश्ता जो बच्ची, मासूम बच्ची का जो केस है, उसको जो है नॉन स्टेट एक्टर्स अपने फवायद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मारिया से भी ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई कानून में कोई तरामीम की ज़रूरत है? क्या हमें भी ईरान को और सऊदी अरब को फॉलो करना चाहिए, कुछ ऐसा लॉ लेकर आएँ कि सरेआम फांसी लगाई जाए ऐसे मुजरिमों को जो इतना नापाक काम करते हैं, जो इतनी मासूम बच्चियों की भी मॉडेस्टी को आउटरेज करते हैं, मतलब बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल, अब पता है अलविना, हमें ना बहुत सारे पार्लियामेंट में के ऐसे लॉज पास हुए हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है इस वक्त इदारों को, यहां पे फौज को हादी कर दी पीटीएम ने, यहां पे फौज को ले आया इस केस में। देखिए, मैं कुछ चीजों से वाकई में इख्तलाफ नहीं करती, क्योंकि ये जो वाकया हुआ था ये फेडरल गवर्नमेंट टेरिटोरी के उसमें हुआ था, ये कोई बॉर्डर पे या कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे या कहीं ड्यूरेंट लाइन के इर्द गिर्द नहीं हुआ था कि हम वहां पर जो थे ना देख नहीं सकते। जो गुलाली साहिब है, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, वो भी यही बात कर रही हैं, जहर डाल रही हैं पख्तूनों के दिमाग में। तो बस अब बात ये है कि हमें एक पेज पर आना पड़ेगा। ठीक है, इफ समबडी वांट्स टू टेक आउट ऑफ देयर सिस्टम, प्लीज टेक इट आउट ऑफ देयर सिस्टम बाय स्पीकिंग, बाय टॉकिंग, बाय टेकिंग इट टू असेंबली लेवल, बट प्रोडक्टिव वे, नॉट डूइंग ड्रेजन। बिल्कुल, उसमें ये है कि लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है कि अलविना, इस वक्त लोग आपकी भी बात सुन रहे हैं, मेरी भी बात सुन रहे हैं, उन मोहतरमा के भी बहुत से फॉलोअर्स होंगे, तो बात यही है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान की बात करनी है, अपने फ्यूचर की, अपने बच्चों की बात करनी है। 10 साल की बच्ची जो थी वो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान थी, अगर उसके साथ इस तरह हुआ, और बहुत सारी ऐसी बच्चियों के साथ हुआ, इस वक्त हमारे लॉज को इतना स्ट्रेंथन होना चाहिए कि कोई लूप होल ना हो, वाकई में ऐसा लूप होल भी ना हो, ऐसी सजा के लिए हमें जो है ना वो हर वक्त तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ ये नहीं करूंगी कि हम पार्लियामेंटेरियन से, हम इदारों से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं एज अ सिविल सोसाइटी
सोसाइटी पर्सन जो हूँ, आई विल गो टू द स्कूल्स, आई विल क्रिएट दिस अवेयरनेस एंड आई विल मेक श्योर कि पाकिस्तान में आने वाले इस वक्त जो 18 उम्र से कम बच्चे हैं, तमाम बच्चों को अपने हकूक का पता हो, क्योंकि राइट्स जो है ना वो बच्चों को, अपने बच्चों को कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है, काउंसलिंग, ये वो सारी जरूरतें कि हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक बड़ी क्लोज सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम बच्चों के साथ ओपनली बात करने से घबराते हैं। स्कूल में तरबियत नहीं हो रही है, 50,000 की जो लॉज में कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो आप लोग सिंध गवर्नमेंट से स्टार्ट करें, आप प्रेसिडेंट सेट करें, जो बाकी की हुकूमत है वो भी इसको जो है एक्सेप्ट करेगी, और मारिया आप लोग यहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और आप लोग यहाँ पे सिंध में जो है इनकी सपोर्ट कर सकते हैं इस हवाले से कि सिंध असेंबली में आप लोग देखें इस पर बात हो। और अब जो सिंध असेंबली में एक रिफॉर्म्स के हवाले से एक बिल, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से एक बिल पास हुआ, उसको भी जो है क्रिटिसिज्म की निगाह से देखा जा रहा है, हालांकि उस बिल के हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत की गई थी लोगों से, जो एनालिस्ट हैं उनसे भी बात की गई थी, फिर भी लोग खुश नहीं। मैं अर्ज करूं कि चाइल्ड अब्यूज के हवाले से या इस तरह के जो रेप केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, कानून के अंदर इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है, कानून अपनी जगह पे स्ट्रेंथन है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी की जरूरत है बेहतर नहीं। इस वक्त जो सबसे अहम जरूरत है वो दो हमें ग्राउंड्स पे है, एक तो प्रोसिक्यूशन पे और दूसरा इन्वेस्टिगेशन पे। जो जिसे कहते हैं ना वो बड़ा करप्ट वजीर आला था, और एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी दुरुस्त होना है, करप्ट वजीर आला जिसको जिसे कहा जा रहा है, उसके दौर में जैनब बीबी का केस हुआ और वो फॉरेंसिक और साइंटिफिक अंदाज में उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और फौरन उसको कातिल को पकड़ा गया और उसको सजा भी हुई। इसीलिए इसी मैं समझता हूं कि हमें तमाम सूबों के अंदर, अच्छा वो एक ही फॉरेंसिक लैब है पंजाब में, बाकी किसी सूबे में नहीं है, और जब पेशावर में वाकया हुआ था तो उसके लिए भी वो उन्होंने पंजाब से मदद ली थी, पंजाब के फॉरेंसिक लैब से। एक तो हमें ये फॉरेंसिक लैब जो है वो तमाम सूबों में हमें जबरदस्त तरीके से इक्विपमेंट के साथ कि रिफॉर्म्स आएंगे फॉरेंसिक लैब्स के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के अंदर बड़ी हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, और प्रोसिक्यूशन सबसे अहम है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब इस तरह के कोई केसेस होते हैं और वो विक्टिम के जो वालदेन होते हैं या उसके जो वर्सा होते हैं, जब वो थाने में पहली अप्रोच करते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने जाते हैं, तो उनको सुनाई नहीं जाता। बड़ा एक अजीब गरीब किस्म का रवैया होता है पुलिस का, जालमाना रवैया होता है, तो उस हवाले से पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, प्रोसिक्यूशन की भी जरूरत है। देखिए मैं समझता हूँ फर्स्ट स्टेप है, अच्छी बात है, ये रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन अब उसको सिर्फ हमारे यहाँ होता यह है, खुश नहीं अभी भी। हमारे यहाँ होता यह है कि हम किताबों में तो रिफॉर्म ले आते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उस पर कोई भी जो है वो अमल दरामद नहीं होता। तो जितने भी रिफॉर्म पुलिस के हवाले से आए हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन से मुल्क की पुलिस है जिसमें ये रिफॉर्म आ चुके हैं। अच्छा। आपको ग्राउंड पे वो रिफॉर्म नजर नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, या इवन एसोसिएशन लेवल तक जो लोग हैं, वो पढ़े लिखे ही नहीं, उनके अप्रोच पढ़े लिखे वाली नहीं है, वो बात ये जी वो गरीब किस्म से करते हैं। आपको आपको उनका अटायर देखें, उनकी फिटनेस देखें, इतना बड़ा पेट निकला हुआ है, मतलब पहले फिट तो हो जाए। आप ठीक है फोर्सेज में नहीं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज भी तो कोई चीज होती है ना, तो उनकी ओवरऑल जितने रिफॉर्म्स हमने किताबों में लिख दिए हैं, कानून में लिख दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे लिख दिए गए, उन पर अब अमल दरामद भी होना चाहिए और मनोवन अमल होना चाहिए, ताकि अवाम को सहूलत भी मिले और इस तरह के फरिश्ता जैसे जो वाकयात हैं वो दोबारा पेश ना। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अब मजीद खामोश नहीं रहेगी महंगाई के ऊपर। दूसरी जानिब जो एक रीसेंट डेवलपमेंट आई है वो ये है कि जो डॉलर्स को स्मगल किया जा रहा था उसको रोका गया है। अब स्टेट बैंक को एक रेगुलेटरी बॉडी का जो है एक इख्तियार दिया गया कि वो तमाम तर इसकी रेगुलेशन को देखेंगे डॉलर्स की, और साथ ही साथ ये जो एक कैंपेन चल रही है मीडिया में और सोशल मीडिया पे, ट्रेडिशनल मीडिया पे, कि डॉलर को बायकॉट करें, इससे भी फायदा हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर नीचे आ रहा है और स्टॉक्स में जो है पैसा इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब के टेक पर बात करें। मियां नवाज शरीफ साहब के सीरियस कंसर्न हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते, हम अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, हम असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर,
ज़रूर एहतजाज करेंगे। जहाँ तक बात है कि जी डॉलर को स्टेबल करने की कोशिशें की जा रही हैं, हम बींग अपोजिशन कह रहे हैं ज़बरदस्त अच्छा इस तरह होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को खुद यकीन नहीं है कि इससे कोई बेहतरी आएगी। अच्छा। वो अभी से आवाम को कह रहे हैं 200 रुपये तक जाएगा। अच्छा। अभी चीखना नहीं है, अभी आपकी और चीखें निकलेंगी, अभी आपको और तकलीफ होगी। तो वो जो मुझे ख्याल आता है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा इन्हें, वो असल में मियाँ नवाज शरीफ के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कह रहे थे, वो आवाम के लिए कह रहे थे। तो अब हमें समझ में आ रही है कि वो आवाम को रुला रहे हैं, आवाम की चीखें भी निकाल दी, आवाम बेचारे रो भी रहे हैं, बद्दुआएं भी दे रहे हैं इनको। अच्छा। अब हम ये समझते हैं कि जितने भी डॉलर को अपने स्टेबल करने के लिए या इसको नीचे लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, उसका बाइकॉट भी होना चाहिए, उसकी स्मगलिंग को भी रोकना चाहिए, अच्छे इकदाम आते हैं ये करें। और हमें तो हम तो एतमाद दिला रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, लेकिन उनको खुद को यकीन नहीं आ रहा है। वो खुद अभी तक समझ रहे हैं कि वो पोजिशन में है, हुकूमत कोई और चला रहा है, इनके किसी और के हाथों में डोरियां हैं। और ये हुकूमत के वुजरा आके अगर टेलीविजन पे कहेंगे कि जी 200 रुपए तक पेट्रोल चला जाएगा और डॉलर 200 रुपए तक चला जाएगा और आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, और महीने पहले कहा था कि करोड़ नौकरियां आएंगी, ठीक है, लेकिन गवर्नर पंजाब कहते हैं सीरियस अप्रोच है उनकी, ठीक है, गवर्नर पंजाब कहते हैं कि कुछ भी जो प्रोटेस्ट है वो किसी का भी आईनी हक है, तो हम ऑपोजिशन को नहीं रोकेंगे प्रोटेस्ट से, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, बड़ा जर्फ है उनका, वो रोक भी नहीं सकते वाकई में, वो उनको पता चल गया एयरलाइंस क्या है। और सीधी सी बात है, एक अवतार जो बिलावल साहब का था उससे तो मैंने देखा सबकी चीखें निकल गई, हालांकि उस दिन जो थे हमारे सिलेक्टेड वजीर आजम साहब शौकत खानम के चैरिटी फंक्शन में थे, रादर देन टॉकिंग अबाउट यू नो द सक्सेसफुल स्टोरीज की रिकवरी हुई, ये हुआ, हमने शौकत खानम में क्या किया या मरीजों ने क्या किया, क्या नाम है, पहले तो प्रिविलेजेस एंजॉय करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 5 साल गवर्नमेंट में कुछ करप्शन की थी बसेस वगैरह के हवाले से, तो आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? मैं एक सच्ची बात बताऊं कि ऐसे लोग बहुत आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। अब आप देखिएगा, आने वाला टाइम भी हमारा होगा और हम आपको बता के दिखाएंगे। अच्छा, मतलब पुराने प्लेयर का आप आने वाले अरसे में निकालेंगे, दुरुस्त है? नहीं राजा साहब, पुराने इनके प्लेयर में की करप्शन इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनकी थी कंटेनर पॉलिटिक्स, हमने होने ही नहीं देनी, ये हमने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया हुआ है। क्योंकि अभी तक तो इमरान खान साहब जो है ना, वो 2014 से लेके अभी तक असेंबली में आके भी कंटेनर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये उससे हमने बहुत सीखी है, आने वाले लोगों ने बहुत सीखी है, मगर मेरा ख्याल है कि जो अभी सिटिंग है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, पर हमने बहुत सीखी है। लेकिन आप लोगों ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, बस ये इस चीज का दुख है। अगर आपके इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जितने केसेस हैं वो हमारे दौर में नहीं हुए, जो अभी लोग बैठे दोहरा मयार है। एक वो कवानीन है जो अपोजिशन के लिए है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया, इंतकाम लिया जा रहा है, ये एहतसाब तो नहीं है। राजा साहब, आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन इस किस्म की बातें फिरदौस साहिबा के लिए बातें हो रही है कि आप ही पार्टी से के ये मेकअप धोए तो इसमें से पता नहीं कौन सा पॉलिटिक्स करेगा, रादर देन कोई प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स करें जो लोगों को समझ में आए। ये तो सर आप भी हंस रहे हैं। मैं अर्ज करूं, देखें, इतनी बड़ी जब जमातें होती हैं उसमें बहुत से लोग होते हैं, बहुत से एमएनए एमपीएस होते हैं, टेलीविजन पे या इंटरव्यू में वो अपनी जाती राय भी दे सकते हैं। बिल्कुल हमारी तहजीब का हिस्सा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तलाल भाई के इस बयान की मजम्मत करता हूँ, बल्कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन साथ साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस तरह की बोली बोल रही हैं हुकूमती वजीर की हैसियत में, जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रही हैं, मैं वो यहाँ टेलीविजन पे मैं खुद अपने लिए बायस शर्म महसूस करता हूँ कि मैं उसको दोहराऊं। मैं समझता हूँ कि उनको ये चीजें नहीं कहनी चाहिए। कब कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी हिस्ट्री सबको पता है, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। वो तो पुराने दौर की उन्होंने बातें की, वहां से लेकर अभी तक जिस तरह के वो, अब देखें किसी शख्स की बीमारी के ऊपर तनकीद करना, किसी शख्स के, अब देखें मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा की बीमारी को क्या नहीं मजाक उड़ाया गया। आखिरकार उन्हें अपनी जान देकर
मौत की नींद सोकर ये साबित करना पड़ा कि वाकई बीमार थी। ये बड़ा गलत है, फिर कौन सी सोसाइटी में रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी उन्होंने मियां नवाज शरीफ की बीमारी का जो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो जब जो मियां नवाज शरीफ से बेल मिली, जो मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, हमारे लीडर हैं, जब उनके लिए इस तरह की बातें सुनेंगे तो फिर वो मेकअप उतारने की बातें कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने बात बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन सर इतने पर्सनल कॉमेंट्स कौन बर्दाश्त करता है। मैंने कहा कि मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन फिर ये जज्बात में फिर अल्फाज निकल भी जाते हैं ना। ठीक है, सही है। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब को 6 वीक्स की मर्सी बेल मिली, और उस वक्त उनको ये कहा गया कि आप पाकिस्तान में, बेल जो मिली थी इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर मिली थी कि पाकिस्तान में जहां पे चाहें आप अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में उनके डॉक्टर ने सारी डिटेल दी, उसके बाद वो शरीफ मेडिकल से सुन लेना सवाल पूरा। तो वो 6 हफ्ते जब खत्म होने लगे तो दोबारा से वो अपील में गए कि उनको और फर्दर आगे मिले, जो कि अपील रिजेक्ट हो गई उनकी। उस पर उन्होंने, क्योंकि बाहर जाने का वो फैसला था, तो जब उनको यहाँ इलाज कराना ही नहीं था, तो फिर उन्होंने 6 वीक्स की मर्सी बेल क्यों ली? देखिए, उन्होंने पहली बात यह है कि जो हमारी बेल थी वो यही थी कि आप उन्हें इजाजत दें कि आप अपना इलाज जहां से मर्जी चाहें वहां से करा सकें। और मैं आपको ये बात जरूर बोल दूं कि मियां नवाज शरीफ कोई अपनी मर्जी से लंदन में इलाज नहीं कराना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर जब उन्हें परवेज मुशर्रफ के दौर में जलावतन किया गया, तो उन्हें और जब वो लंदन गए और वहाँ पे उनको जब हार्ट की तकलीफ हुई, तो उन्होंने अपना पूरा इलाज ही वहाँ से करवाया। मजबूरी थी, उनको पाकिस्तान आने ही नहीं दिया जा रहा था। एक बार तो मैं खुद उनके साथ फ्लाइट में था जब उनको दोबारा डिपोर्ट किया गया। मजबूरी थी, आप ये कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के दारों पे ट्रस्ट नहीं है। जब आप किसी पाकिस्तानी को जलावतन कर दें, पाकिस्तान आने ना दें, वो अपनी तमाम बिजनेस उनके बच्चों की या वो अपना इलाज वहां कराएं और उनके फैमिली डॉक्टर्स ही वहां पे रहें और वहां प्रैक्टिस करते हो, और फिर आप उन्हें कहें कि आप पाकिस्तान में इलाज कराएं, तो कैसे मुमकिन है? हर इंसान को हक होना चाहिए कि जहां से भी वो इलाज कराते हैं, जो जहां उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं। लेकिन वो एक ऐसा फिगर है, पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुके हैं, और वो ही मिसट्रस्ट शो करेंगे यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो टेक्निकली मेरे वालिद भी क्योंकि हार्ट पेशेंट हैं, मुझे मालूम है टेक्निकली हार्ट के हवाले से बेतहाशा डिजीजेज हैं, और जो मियां नवाज शरीफ को जो एंजाइना की जो तकलीफ है वो एक टेक्निकल तकलीफ है, उसको बहुत से लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स ने खुद कहा है, पाकिस्तान डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि आप जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ हैं, जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया था, जिन्होंने दिल खोल के देखा है कि आपके दिल की कंडीशन क्या है, वो ज्यादा बेहतर तौर पर आपको ऑपरेट कर सकते हैं या आपका इलाज कर सकते हैं। तो उनका हक है। ठीक है मारिया, लास्ट क्वेश्चन, बस जल्दी से इसको कंक्लूड कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि नैब का काम ये पकड़ धकड़ नहीं है, केसेस को जो भी रेफरेंसेस साबित हो रहे हैं किसी के ऊपर हो रहे हैं, उसको जल्दी से प्रोसीडिंग्स को खत्म करके जो भी एग्जैक्टली यही तो हम भी बहुत अरसे से कह रहे थे कि अगर अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये बयान दिया तो मैं इसकी तायद करती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। नैब के शिकंजे जो है ना, एज अ वो रिवेंज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे कि आते ही गवर्नमेंट ने हर वो होता था कि बस जल्दी जल्दी आपने सलाखें तैयार करवाई और उसमें जो जितने लोगों आपको इख्तलाफ है आप उनको भरना शुरू कर दें जेलों में। तो बात यह है कि पूरे एक जुडिशरी प्रोसेस बैठा हुआ है, जब आप सबूत साबित हो जाएं तो आप उसके बाद कर सकते हैं। और जो वैसे भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट है जब वो इंटरवीन करती है किसी भी प्रोविजनल मैटर में, वो भी 18वीं तरमीम की जो है वो खिलाफवर्जी है, तो वो उस खिलाफवर्जी करते हुए अभी तक फेडरल गवर्नमेंट जो है सिंध के अंदर बहुत सारी पकड़ धकड़ी है। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं बरहम हैं नैब के ऊपर, इसको वन लाइन में कंक्लूड करते हैं। एक लाइन में नहीं कर सकता, अगर आप कहें इजाजत दें तो एक छोटा सा शेर सुना दूं इसी पे। ठीक है, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं, वो कह रहा है कि चंद दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, है मेरी फितरत डरा नहीं। ठीक है, ठीक है। आज के प्रोग्राम को अगर कंक्लूड करते चले तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बरहम हुए हैं नैब के ऊपर, तो नैब एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसको जितने भी किसी के ऊपर रेफरेंसेस, जिस भी बंदे के ऊपर रेफरेंसेस दायर हुए हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स को जल्दी मुकम्मल करें और पकड़ धकड़ ना करें और ट्रांसपेरेंट और तरीके से जो है ये तमाम प्रोसीडिंग्स हों। इसके हवाले से ये है कि डॉलर की जो मुहिम स्टार्ट हुई थी, बायकॉट डॉलर से नो टू डॉलर एंड ओन योर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, ओन योर रुपी ओनली, ये काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रही है और पॉजिटिविटी से जोर पकड़ रही है, और जो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की प्राइसेस है वो थोड़ी कम होती जा रही है, तो एक खुशाइन बात है। स्टॉक मार्केट भी थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।